हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप? माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग अनसॉल्व पढ़ रहे हैं, ठीक है? और अनसॉल्व में हम एक नंबर वाले वन मार्क क्वेश्चन देख रहे हैं, लिखा है देखिए, और ये 2020 का देख रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट? और अभी तक जो हम आपको बता चुके हैं वो सेट हमारा पहला था एक्स एक्स, ठीक है, फिर एक्स टी, फिर एक्स यू, अब हमारा सेट स्टार्ट हुआ एक्स वी, यानी चौथा सेट, ठीक है? और क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट, आप आराम से क्वेश्चन पढ़िए, फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? आप देखो स्टूडेंट, हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, आयन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन दोनों समान पोटेंशियल डिफरेंस से त्वरित होते हैं, ठीक है। इफ़ देयर इनिशियल वेलोसिटी जीरो देन फॉर दीज पार्टिकल। तो आप देखो स्टूडेंट, चार्ज कितना होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, चार्ज कितना होता है प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ई माइनस होता है, और प्रोटॉन को हम लोग पी प्लस लिखते हैं। तीन दोनों का चार्ज तो ई ही होता है, मैग्नीट्यूड ई होता है,
यानी 1.6 10^-19 कूलाम होता है। आप देखो स्टूडेंट, अगर दोनों सेम पोटेंशियल से रेस्ट से एक्सलरेट होंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो के ई की होगी वही के पी की होगी। तो दोनों काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। क्यों सेम होगी? सिंस वी के इज इक्वल टू ई वी होता है, ठीक, के इज इक्वल टू ई वी होता है। तो ई तो दोनों के लिए सेम है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा, ऑप्शन देखिए दे रहा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी लार्जर, रंग हो गया, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन विल बी लार्जर। अब इसको चेक करते हैं स्टूडेंट, तो काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला अगर हम लोग देखें स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, तो के इलेक्ट्रॉन के लिए होगा इज इक्वल टू, ठीक है, पी इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम यहाँ हम लोग लगाएंगे, पी इलेक्ट्रॉन अपॉन 2m होगा, ठीक, और के प्रोटॉन का जो होगा पी, तो ये मोमेंटम पी का पी हो, पी मीन्स प्रोटॉन स्क्वायर अपॉन 2, ये me होगा, ये mp होगा, ठीक है स्टूडेंट। ये दोनों काइनेटिक एनर्जी तो ये दोनों इक्वल हैं स्टूडेंट, ध्यान से आप देखिएगा, इक्वल होने का मतलब ये हुआ कि इसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, इसका मोमेंटम कम होगा। यहाँ से देखो ये दोनों इक्वल हैं, मास किसका ज़्यादा है, देखो यहाँ देखो इन दोनों में देखो, देयर फोर पी इलेक्ट्रॉन स्क्वायर अपॉन 2me इज इक्वल टू पी प्रोटॉन का स्क्वायर अपॉन 2mp। अब यहाँ देखो नीचे वाला एमपी जो है ये लार्जर है, सिंस एमई लेस देन एमपी, यानी इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से कम होता है, इसका मतलब प्रोटॉन का मोमेंटम मोर होगा, यहाँ पर देखो मोमेंटम इसका ज़्यादा होगा, देयर फोर पी ई लेस देन पी पी, ठीक है। यहाँ देखो ऊपर दोनों के लिए मोमेंटम है, तो इसमें जो ऑप्शन आ रहा है स्टूडेंट देखो दिया है, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी लार्जर, मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन विल बी लार्जर, तो फोर्थ आंसर है इसमें। आंसर कौन हुआ? आंसर हुआ फोर्थ, ये प्रोटॉन का मोमेंटम है, ये लार्जर है, देखिए इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कम है, ठीक है। आंसर कौन हुआ? फोर हुआ, मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन विल बी लार्जर, मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन विल बी लार्जर, मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन विल बी लार्जर। हिंदी वाले देखें, इसमें तो कुछ देखना नहीं, तो फार्मूला लिखा हुआ है, ये दोनों का आवेश समान होता है, इतना ही होता है, तो दोनों की गतिज ऊर्जा समान होगी, ठीक है, डायरेक्शन की बात नहीं हम कर रहे हैं यहाँ पे, दोनों की गतिज ऊर्जाएँ समान होंगी क्योंकि एक ही पोटेंशियल से दोनों एक्सलरेट हो रहे हैं, दिया है त्वरित हो रहे हैं। तो जब दोनों का पोटेंशियल सेम है तो काइनेटिक एनर्जी ईवी होती है, दोनों काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाएगी। अब मोमेंटम के फार्म में काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, यानी संवेग के फार्म में गतिज ऊर्जा के सूत्र होता है, गतिज ऊर्जा बराबर संवेग स्क्वायर अपॉन 2 × द्रव्यमान, ठीक। तो अब हमने पहले इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा, तो इसका संवेग पी लिया और मास एम ई लिया, फिर हमने प्रोटॉन के लिए लिया तो इसका संवेग पी पी लिया और मास एम पी लिया। अब के ई और के पी तो इक्वल हैं, तो दोनों को हमने इक्वल कर दिया, इक्वल करने पर हम देख रहे हैं कि एम ई स्मॉल है और एम पी, इसका मतलब ये जो रेशियो अगर इक्वल होगा तभी होगा कि जब पी पी बड़ा हो और पी छोटा हो, तो पी पी बड़ा है पी छोटा है, यानी मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन का जो संवेग है वो बड़ा है और इलेक्ट्रॉन का संवेग छोटा है, ठीक है। बी यानी ख,
अब खा में देखो स्टूडेंट, ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है स्टूडेंट। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला आर इज इक्वल टू कैपिटल आर ई अपॉन वी माइनस वन होता है। फार्मूला आप पढ़े हैं, यही फार्मूला देखिए इसमें किसी में है। अब वी एलसीएम कर दीजिए तो ऐसे कर दीजिए आर, और ये आ जाएगा वी ई माइनस वी आ जाएगा। अब इसमें देखिए आर का कौन सा फार्मूला आपका है जो आ रहा हो, आप उस पर ट्रिक लगा दीजिए। और ये हमारे हिसाब से आ रहा है, आर ऊपर है अपॉन टू वी आ रहा है। टू वी तो है नहीं किसी में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, थर्ड थर्ड ऑप्शन आ रहा। तो आंसर हमारा हो गया थर्ड। ठीक है स्टूडेंट, ये इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है, वो लिखा हुआ है। डी देखिए स्टूडेंट, सी हम लोग देखेंगे, सी यानी गा। तो गा में जो है एवरेज पावर डिसिपेशन इन प्योर इंडक्टेंस इज जीरो। ठीक है, एवरेज पावर का फार्मूला क्या होता है, इन प्योर इंडक्टेंस, इन प्योर इंडक्टेंस, ठीक, फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो पावर एवरेज पावर का फार्मूला क्या होता है, पी इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कास फाई होता है। ठीक, और ये वी आर एम एस आई आर एम एस और कास 90 हो गया। कास 90 की वैल्यू जीरो होती तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, एवरेज पावर का फार्मूला। ये पूरा जीरो हो जाएगा, यानी ऑप्शन का आंसर कौन सा हुआ स्टूडेंट, आंसर हुआ 4। ठीक है, ये जीरो हुआ। ठीक है ना, आप देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, फार्मूला हम आपको बता दें, 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, आर ब्रैकेट में 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक, अब दिया है, देखो क्वेश्चन में दिया है n1 इज इक्वल टू 2 n2 इज इक्वल टू 4। तो r हो गया 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया r ब्रैकेट में 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 16, एलसीएम कर दो 16 आ जाएगा, 4 4 जा 16 माइनस 1 आ जाएगा, बाहर r है इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा हो गया, इज इक्वल टू ये 4 माइनस 1 हो गया, 3 r ऊपर हो गया अपॉन 16 हो गया, ये 1 अपॉन लेमडा हो गया, इससे लेमडा की वैल्यू आ गई 16 अपॉन 3 r। ठीक है स्टूडेंट, 16 अपॉन 3 r कौन सा आंसर आया, दूसरा आ रहा है, तो इसका आंसर हो गया सेकेंड हो गया दूसरा। ठीक है स्टूडेंट, ये आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ई, ई यानी हो गया अंगा। ठीक है, अंगा वाले में देखो स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो हीट वेव, हीट वेव। ठीक है, दूसरे में आंसर हुआ हीट वेव। यानी ऊष्मा तरंगे, ऊष्मा तरंगे एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, हीट एनर्जी प्रकाश में यहाँ से वहाँ सीधी चली जाती है। ठीक है, बिना किसी माध्यम के। ठीक है, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बाकी साउंड, वाटर वेव और वेव प्रोड्यूस इन स्ट्रिंग, इन सबको माध्यम की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब देखो एफ वाला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, एफ, ठीक है, एफ मतलब चा, और ये मिरर है, और मिरर इस बार के कोर्स में नहीं है। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन दे देगा तो उसका मिस्टेक होगा। ठीक है, मिरर इस बार के क्वेश्चन में नहीं है, इस बार कोर्स में नहीं है, लेकिन लगाना चाहिए आपको, आप खुद लगाइए।
ठीक है, इस बार कोर्स में नहीं है लेकिन कंपटीशन देंगे, सब आएगा जो है। क्वेश्चन नंबर टू, ए अनिका, क्वेश्चन नंबर टू ए अनिका। अब देखो, स्टूडेंट एन इलेक्ट्रिक डायपोल आर केप्ट इन क्लोज्ड सरफेस। अब देखो स्टूडेंट, जो एक डायपोल होता है, ये ऐसे डायपोल हमारा है स्टूडेंट, ऐसे मान लो ये डायपोल है, तो इधर माइनस क्यू होता है, इधर प्लस क्यू होता है, ठीक है। तो डायपोल का नेट चार्ज कितना होता है, नेट चार्ज दोनों का ऐड कर दो, जीरो आ जाएगा। तो हम लोगों का फार्मूला यहाँ देखो, नेट चार्ज इसमें लगाओ, नेट चार्ज, ठीक है, यानी नेट चार्ज कितना हो गया स्टूडेंट, एन डाइपोल है तो माइनस क्यू प्लस क्यू हो गया, ये इज इक्वल टू जीरो हो गया। फाई फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, क्यू अपॉन क्यू जीरो हो गया, इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। फाई कितना हो जाएगा स्टूडेंट, जीरो, कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, टू बी, टू बी ब मतलब ख, टू ख देखो। इन एन प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, तो बी इज इक्वल टू 8 × 10⁻⁶, ठीक, साइन 2π साइन 2π 10⁻¹⁰ t 10⁻¹⁰ t प्लस 300 πx प्लस 300 πx, ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक। और कह रहा राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना, तो पहले कंपेयर करें इससे, इसको जो है कंपेयर किससे करेंगे, बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन 2π 10⁻¹⁰ t प्लस 300 πx, इसी से कंपेयर कर देंगे, तो बी नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा 8 × 10⁻¹⁶ टेस्ला, ठीक। फार्मूला होता है ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट सी इज इक्वल टू, ठीक है, बी नॉट हमारा हो गया 8 × 10⁻¹⁶ इंटू सी होता 3 × 10⁸, तो 8 × 3 = 24 हो गया, और इंटू हो गया 10⁻² हो गया, ठीक। इसको और थोड़ा हम लिख दें तो आ जाएगा 2.4 10³ इतना वोल्ट पर मीटर हो गया। इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है स्टूडेंट, इज इक्वल टू ई नॉट होता है, ई नॉट की जगह ये आ जाएगा स्टूडेंट 2.4 10³ साइन, अब बाकी वही रहेगा 2π 10⁻¹⁰ t प्लस 300 πx। अब देखो स्टूडेंट, इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है, अब चूंकि इसमें डायरेक्शन नहीं दिया है तो ये एक्स में यह वेव है, तो अगर ये वाई में होगा तो ये जेड लिख देंगे, ये अगर जेड में होगा तो इसको वाई में लिख देंगे, पर यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है कि एक्स वाई इसमें दिखाया जाए, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सी, ठीक है, सी यानी गा, टू गा हो गया, दूसरे का गा।
ये कह रहा है लाइट रेज पासिंग वैक्यूम थ्रू ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इफ द इंसिडेंट एंगल इज ट्वाइस ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये कह रहा देखो स्टूडेंट कि इंसिडेंट एंगल आई जो है ट्वाइस ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब म्यू दिया है तो म्यू का फार्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर लिखते हैं। अब इसको हम लोग थोड़ा बदल दें स्टूडेंट, देखो यहाँ देखो इसको साइन आई लिख दें और इसको लिख दें साइन आई बाई टू लिख दें इसको, ये हो गया यहाँ से निकला आर इज इक्वल टू आई बाई टू, ये तो दिया है क्वेश्चन में, इससे हमने निकाल लिया और आई बाई टू आर की जगह यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब ऊपर हम एक फार्मूला लगा देंगे स्टूडेंट, टू साइन आई बाई टू कॉस आई बाई टू अपॉन साइन आई बाई टू, ठीक है। ऊपर हमने क्या फार्मूला लगाया स्टूडेंट, ऊपर का फार्मूला तो आप देख रहे हैं ना, हमने लगाया साइन टू ए इज इक्वल टू टू साइन ए कॉस ए, ये फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ देखो ए की जगह कौन है, आई बाई टू है, यहाँ आई बाई टू है तो ये टू आई बाई टू है, ये यही टू आई बाई टू, ध्यान से देखिएगा यहाँ तो आई बाई टू में हो गया, ये साइन आई बाई टू कट गया। म्यू की वैल्यू आ गई स्टूडेंट, म्यू इज इक्वल टू टू कॉस आई बाई टू आ गई, ठीक है। टू को इधर कर दो तो स्टूडेंट आ गया कॉस आई बाई टू इज इक्वल टू म्यू बाई टू आ गया, ठीक। कॉस इधर कर दो स्टूडेंट तो आई बाई टू आ गया इज इक्वल टू कॉस इनवर्स म्यू बाई टू आ गया, ठीक। आई की वैल्यू आ गई टू, इधर मल्टीप्लाई में आ गया टू कॉस इनवर्स म्यू बाई टू आ गया, ठीक है स्टूडेंट, ये आंसर हो गया। ये म्यू लिखा है, म्यू बाई टू हो गया, ठीक है स्टूडेंट। थ्री टू वन डी, डी मतलब घा। अब यहाँ पे सर्किट देखो दिया हुआ है स्टूडेंट, ये रेजिस्टेंस है, इसके बाद ये हमारा इंडक्टर है, ये हमारा कैपेसिटर है, आई तीनों लोग कनेक्ट हो गए, किससे कनेक्ट हो गए, एक हमारे वोल्टेज से इससे कनेक्ट हो गए, ठीक। और यहाँ दिया हुआ है 200 वोल्ट 50 Hz, ये दिया है, ये दिया 100 ओम, ये है L, ये है C, ठीक है स्टूडेंट। आप देखो स्टूडेंट कह रहा फाइंड करेंट इन द गिवेन LCR सर्किट, इसमें करेंट निकालना है रेजोनेंट्स LCR सर्किट, ठीक है। इन रेजोनेंट LCR सर्किट, देखो स्टूडेंट ये जो हमारा सर्किट है वो कैसा है, अनुनादी LCR परिपथ है, क्या है, अनुनादी LCR परिपथ, अनुनादी LCR परिपथ, ठीक है। यानी जो अनुनादी परिपथ होता है स्टूडेंट उसमें क्या होता है कि Z इज इक्वल टू R होता है, इसमें क्या हो जाएगा Z इज इक्वल टू R और ये हो जाएगा 100 ओम, ऊपर दिया हुआ है। I इज इक्वल टू V अपॉन Z होता है स्टूडेंट, और V हमारा 200 है और Z हमारा 100 है, डिवाइड हो गया, आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर आ गया, ठीक है। 100 दूना 200 कैंसिल हो जाएगा,
ई मीन्स हुआ अंगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो अंगा में दे रहा विच चार्ज कैरियर रिस्पॉन्सिबल फॉर करेंट इन द पीएन जंक्शन डायोड इन रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में कौन होता है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यानी अल्पसंख्यक आवेश वाहक, अल्पसंख्यक आवेश वाहक। ठीक है, इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे। रिवर्स करंट पूछ रहा है, रिवर्स करंट के लिए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। ठीक है, अगला देखो कह रहा है स्टूडेंट ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल डिफरेंस इफ देयर वेलोसिटी इज वी पी एंड वी रिस्पेक्टिवली फाइंड द रिलेशन बिटवीन वी पी एंड वी अल्फा। प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल हैं। देखो स्टूडेंट कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ देखेंगे, ध्यान से देखिएगा कि एम अल्फा इज इक्वल टू जो होता है वो 4 mp होता है, यानी एक अल्फा का जो मास होता है वो 4 प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है स्टूडेंट क्यू जो होता है 2e होता है, प्रोटॉन का 2 times होता है, क्यू इज इक्वल टू 2e होता है। अब हम लोग देखें स्टूडेंट तो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है काइनेटिक एनर्जी शुरू करें। के पी अपान के ई इज इक्वल टू 1/2 mp/vp स्क्वायर अपान 1/2 m अल्फा, के अल्फा है अल्फा पार्टिकल के अल्फा, ठीक i/v अल्फा स्क्वायर हुआ। वैल्यू रख दो स्टूडेंट, ये आ जाएगा इसका चार्ज की प्रोटॉन का चार्ज होता है e और पोटेंशियल v, इसका चार्ज है क्यू और पोटेंशियल है वी, हाफ से हाफ कट गया एम पी हो गया और वी पी स्क्वायर हो गया अपान एम अल्फा की वैल्यू दिया 4 mp हो गया और वी अल्फा हो गया स्क्वायर। आप देखो स्टूडेंट क्या कटा, यहाँ से वी कट गया, एम पी से एम पी कट गया, यहाँ आया ई और क्यू हमारा है क्यू इज इक्वल टू 2e है, 2e है इज इक्वल टू एम पी से एम पी कट गया, नीचे आया ऊपर आया वी, ऊपर आ गया वी पी स्क्वायर अपॉन 4 और ये आ गया वी अल्फा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से ई से ई कट गया स्टूडेंट, ध्यान से देखिए ये 4 इधर कर दीजिए तो ये आ गया 4/2 ई से ई कट गया, इधर आ गया वी पी स्क्वायर अपॉन वी अल्फा स्क्वायर, यहाँ ये कट के 2 हो गया स्टूडेंट, ये आ गया 2 इज इक्वल टू वी पी अपॉन वी अल्फा स्क्वायर, स्क्वायर हटा दो स्टूडेंट, वी पी अपॉन वी अल्फा इज इक्वल टू √2 आ गया, यही इनमें रिलेशन हो गया स्टूडेंट। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले देखें जो अल्फा कण का द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 times होता है, ठीक है, और अल्फा का जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन के चार्ज का 2 times होता है, तो Q इज इक्वल टू 2e हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी के दोनों का रेशियो हमने लिखा, तो काइनेटिक एनर्जी यानी प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा अपॉन अल्फा कण की गतिज ऊर्जा,
तो प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा का फार्मूला 1/2 mv² हुआ, तो प्रोटॉन के लिए पी लिख दिया हमने, और ये भी हुआ 1/2 mα v α लिख दिया। ठीक, के पी कितना हो गया, फार्मूला अभी हमने बताया था कि क्या होता है, के की वैल्यू कितनी होती है, K = eV होता है, ठीक है ना। तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हमने कर दिया है, ठीक है, हमने यहाँ फार्मूला K = eV लगाया और इसके लिए अल्फा पार्टिकल के लिए qV लगाया, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो ईवी होता है, तो प्रोटॉन के लिए, और दूसरा कोई चार्ज होगा तो उसके लिए qV होगा। तो हमने kP को यहाँ लगाया और qV को यहाँ लगा दिया, दोनों से V कैंसिल हो गया क्योंकि सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट कह रहा, सेम विभव से त्वरित किए गए। अच्छा, अब इधर देखो स्टूडेंट, 1/2 तो कैंसिल हो गया, MP और VP ऊपर वाले वैसे ही, नीचे को mα की वैल्यू जो 4 mP यहाँ होता है, इसको हमने 4 mP लिख दिया, तो mp से mp कट गया, नीचे 4 बचा, ऊपर आया vp² v α² यहाँ देखो स्टूडेंट, v कट गया, e आया, और q = 2e यहाँ दिया हुआ है, इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया, जब इसको यहाँ पुट कर दिया तो e से कट गया, 1/2 हो गया, 4 इधर का इधर कर दिया तो 4/2 हो गया, ये 4/2 हो गया, तो इधर आया vp/vα² आ गया। हमने इस यहाँ से इसको कैंसिल किया, 2 हो गया, दोनों के ऊपर स्क्वायर लगाया और फिर स्क्वायर हटा दिया तो ये रूट में आ गया, vp/vα = √2 हो गया, ठीक है स्टूडेंट, और यही आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, ओके।